जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी प्यारे भाइयों और बहनों। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अब देखो गुरु जी, ओके बताया तो इसका अर्थ लास्ट में बताएंगे आपको। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही, ठीक है। यहां फिजिकल और मेडिकल, इसी कारण ये लाइन मैंने बोली आप लोगों को, कर्महीन नर पावत नाही। तो यहां ध्यान रखना, फिजिकल और मेडिकल में जो आप लोगों के सवाल थे राजस्थान पुलिस से संबंधित, पहले ये बता देता हूं, पहले पेपर होगा, पेपर होने के बाद में आपका फिजिकल होगा, अंतिम चयन की प्रक्रिया में मेडिकल को शामिल किया गया है। मेडिकल से पहले अगर फिजिकल में अगर आप फेल हो गए तो मेडिकल तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी मैं तो ये चाहता हूं कि थार्मो कोई फेल ना हो। फिजिकल और मेडिकल में अंतर सुन लीजिए। मेडिकल आप जिस जिले से आवेदन कर रहे हो उस जिले का गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, सरकारी चिकित्सालय, वहां का मेडिकल बोर्ड बैठता है, वो मेडिकल लेगा। फिजिकल जो है वो राजस्थान पुलिस के ही कर्मचारियों द्वारा लिया जाएगा। फिजिकल में क्या होता है, आप लोगों को पता है दौड़ की प्रक्रिया दी गई है 5 किलोमीटर की। जी गुरु जी, दीडी है, भाग लेगा सारा। लेकिन ये बात मैं बोल चुका हूं कि पेपर पास होने के बाद में आप फोन कर लेना, दौड़ की तैयारी करवाई जाएगी, बहुत अच्छे से करवाई जाएगी आप लोगों को। लेकिन तब तक कोई कह रहे हैं कि सर जी आज ही दौड़ लें या पेपर तक दौड़ लें, तो उनको भी ये बताना चाहता हूं कि आप आज तो सिर्फ चने खाइए। पहले घोड़े को खिलाया जाता है, दौड़ाया बाद में जाता है। तो आप पहले चने खाइए, सोयाबीन खाइए, ठीक है, केले खाइए, दूध पीजिए, बादाम खाइए। ऊंचाई महिलाओं की भी है, पुरुषों की भी है। पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। अब एक विद्यार्थी का कमेंट आया कि सर एससी एसटी में छूट है क्या? छूट तब मिलती है जब उनको ये सीट खाली रहती है और 168 सेंटीमीटर की योग्यता वाले लड़के नहीं मिलते, तब जाकर छूट मिलेगी। जैसे एक ही सीट पर दो कैंडिडेट का चयन हो जाता है बराबर अंकों में, तो पहले किसका चयन माना जाता है? जिसकी आयु ज्यादा होती है। तो पहले अगर 168 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर वाले लड़के हैं तो उनको लिया जाएगा, उसके बाद में आपको लिया जाएगा। वजन, पुरुषों में वजन 168 सेंटीमीटर, एक चौहान नाम के विद्यार्थी ने कमेंट किए हैं, मैंने सभी कमेंट लिख रखे हैं, आपको उनके भी सभी के नाम और जवाब मैं दूंगा। तो 168 सेंटीमीटर वजन वो क्या, 96 किलो, 1.5 क्विंटल वजन हो जाए थार में। वो आपकी फिटनेस पर डिपेंड करता है कि आपने इतनी मेंटेन कैसे की है फिटनेस को, ठीक है। आप दौड़ लगा पाते हो तो आप में वजन कितना भी है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन महिलाओं के लिए कम से कम जो वजन है वो 47 किलोग्राम, सिर्फ ये महिलाओं के लिए है। और सीने के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर फुलाव नहीं आता है तो डिप्स लगाया करें। अब बात करते हैं मेडिकल की, जो सवाल है पहले वो बात कर लेते हूं। विक्की कोहली और एक जिसने अपना नाम ही लिख रखा है मेरा इंतकाम देखेगी, अरे भाई इंतकाम को तो पता होगा नहीं, पहला पुलिस को पेपर और मेडिकल देख लीजियो। उसने कहा कि सर टेढ़े मेढ़े दांत है, दांत में कीड़ा लगा हुआ है, एक झाड़ टूट गई। पहला तो यह बताओ आप समझदार हो या नहीं हो, आप अपने आप में मैच्योर हुए हो या नहीं हो, क्या आप बाल्यावस्था वाला जीवन जी रहे हो या किशोरावस्था या युवावस्था वाला जी रहे हो? अरे दांत टेढ़ा मेढ़ा क्या फर्क पड़ा है, दांतों में बंदूक थोड़ी चला रहे हो, नौकरी करनी है आपको, चेहरे से नौकरी होती है क्या? काल न थे तो कह दो गुरु जी मैं कालू मन नौकरी में लगा ले सीखे, दांतों का कोई बड़ा इशू नहीं है राजस्थान पुलिस में। दूसरा संजय परमार, जो यहां लिखा हुआ है बोल एक्स और नोकनी, तो इनका संजय परमार जी का कहना था कि संजय कुमार परमार या कुलदीप, अनिल कुमार, अरविंद कुमार, इनका तो देखो बोलेक्स होता है धनार्जुन, अरविंद कुमार अनिल कुमार का, यानी पैर है जो इस टाइप से मुड़े होते हैं, इस टाइप से, उनको नहीं लिया जाएगा भाई। अब पैर यहां मुड़ेड़ा था रही चालू हुआ कि थे, उनको नहीं लिया जाएगा। नोकनी, अपने जो दोनों घुटने हैं वो आपस में मिलते हैं, कि अपने जो पैरों की जो नीचे से अंगूठे और एडी को अपने टच करते हैं तो नोकनी, तो उसके लिए आप जब पैर मिलाते हो तो सावधान खड़े होकर पीछे की ओर थोड़ा सा जोर देना घुटनों के बल पर पीछे की ओर, तो अपने आप वो स्पेस आ जाएगा। अगर आप सीधा ऐसे ही खड़े हो गए सीना आगे की ओर झुक गए तो वो अपने आप जुड़ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये बाकी आपको बाद में बता देंगे। और उसके बाद ईसीजी जांच होती है, फ्लैट फुट, बिल्कुल जांच होती है फ्लैट फुट की भी। L1 L2 का मतलब होता है कि कई बार जो होता है यहां डिस्क की प्रॉब्लम होती है, इस डिस्क की प्रॉब्लम के कारण कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं भाई इं रेवे
तो फिर जो दौड़ी कौन लगा सकेगा, तो वन पुलिस में लेकर कराएगा के भाई, और जो दौड़ लगा लेगा उनके लिए ये L1 L2 कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कई विद्यार्थियों ने कमेंट किया था L1 L2 का, मुकेश कुमार मीणा ने, कि सर इसके अंदर प्रॉब्लम है L1 L2 के अंदर। तो मुकेश कुमार मीणा जी आप ध्यान रखें, अगर आप दौड़ सकते हो, चल सकते हो, फिर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर है पी कोड या पी कोस, ये एक ही बात है, पी कोड कह दो या पी कोस कह दो। अमूनम मतलब कि ज्यादातर ये जो बात है, ये जो बीमारी है, ये महिलाओं में होती है कि हार्मोन्स जो होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं और उनके कारण चेहरे पर बाल वगैरह आ जाते हैं, जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो ये बीमारी, इसकी सर्जरी वगैरह होती है, वो करवाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबका जो सबसे बड़ा सवाल था आंखों का, क्या गुरु जी अच्छा भाई 6 की है, 6 मीटर की दूरी से आपको कुछ अक्षर पढ़ाए जाते हैं, अगर आप सही से पढ़ पाते हो तो ठीक है, वरना आप अनफिट हो। दूसरी चीज, अनफिट होने के कारण को रोकने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, कि आपका अगर लेजर ऑपरेशन हो रखा है और आपको सही दिख रहा है और अब आप सही हैं, तो आप यहां पर चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हो। कुछ अभ्यर्थी हैं जो कह रहे थे कि सर हमारी एक आंख डिमेज ही हो चुकी है, दूसरी आंख दिख है, तो भाई साहब एक आंख थारे डिमेज हो रखी है तो पुलिस में कौन लाग सको। कान, कान का पर्दा फटा हुआ है तो भी आप नहीं लग सकते हो। फिर आपके जो सवाल है वो और बता देता हूं, फिर सामान्य जानकारी और बता देता हूं। आंख वीक ये बता दिया है, हाथ पर टैटू है चैन सुख कुलदीप, नॉर्मल अगर कोई नाम वगैरह लिखा हुआ है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई अठू ले रही तो मोटो टैटू बना रखी है तो भाई साहब इशू है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हनुमान जाट गुटका खाने से मुंह नहीं खुलता, क्यों भाई हनुमान जी, गुटको खाना जरूरी है, रोटी खा लिया करो। जब आपको पता है कि आपका मुंह ही नहीं खुल रहा है तो अगर कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है तो क्या उनको यहां पुलिस लेगी, क्योंकि बीमार होने के बाद में खर्चा सरकार कैसे वहन करेगी आपका। तो ऐसे लोगों को जिनके कोई गंभीर बीमारी है तो उनको नहीं लिया जाता, और आप इनसे बचिए नशे से। अगर यहां दौड़ पास करनी है तो बहुत से अभ्यर्थी मिलेंगे जो हेल्थ में तो ऐसे होंगे कि डोड़ा दिखेगा बंगाटू, कह जी देखो डोड़ा मारा, लेकिन भाई दौड़ कौन कर पावे। यहां आपको बिल्कुल फिट बॉडी वाले ही विद्यार्थी जो है वो ही निकल पाते हैं, जिनकी रनिंग अच्छी होती है। कार्तिक देवासी, ड्राइवर के बारे में बताओ, बता चुका हूं हैवी लाइसेंस लाइट लाइसेंस के बारे में, हैवी लाइसेंस के 15 नंबर, लाइट लाइसेंस के है जो 10 नंबर मिलेंगे, पेपर एक होगा सभी का, RAC पुलिस चाहे GRP सबका एक पेपर होगा, और एक ही जगह मतलब कि कह सकते हैं कि मेरिट निकलती है, उनकी कुछ कम आधार रह सकता है, और उसके बाद में दौड़ होगी, और दौड़ होने के बाद में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और ड्राइवर वालों में उनका ड्राइवर टेस्ट होता है, अब डिपेंड करता है अधिकारी पर वो कितने नंबर देता है, वो एक नंबर भी लाइसेंस को दे सके, 5 नंबर भी दे सके, 10 नंबर भी दे सके। प्रमोद गुजर का सवाल था कि ब्लैक चिक्का बना हुआ है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है प्रमोद गुजर। नितेश शर्मा, क्या ट्रेनिंग के दौरान किसी को बाहर निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान अयोग्य पाए जाते हो, अनफिट पाए जाते हो, तो आपको ट्रेनिंग के दौरान बाहर निकाला जा सकता है, कुछ गलतियों के कारण नहीं निकाला जा सकता। माना कि कुछ विद्यार्थी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं लेकिन बठूंबे भाज राज्य की ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, हमसे नहीं हो पा रही है, तो उनको राजस्थान में करवाई जाती है। ट्रेनिंग हर जगह हार्ड ही होती है, चाहे वह हंस गया करो चाहे रोगर करो, ट्रेनिंग तो थाने करनी पड़ती है अगर नौकरी करोगा तो, नहीं तो मास्टर की तैयारी कर लो, पटवारी की तैयारी कर लो। अनुज कहता है हकलाता हूं, तो जो हकलाते हैं उन लोगों के लिए बता देता हूं, मेडिकल में हकलाते हैं उन लोगों के लिए, हकलाता हूं इसके लिए आपको नोटिफिकेशन में भी दिया गया है, लेकिन वो किस प्रकार से, जैसे ये नाम लिखा हुआ है पड्डन ने बोल दिया राजस्थान पुलिस, तो बन हकलाणो बोले बे कौन शामिल हो उसके, अगर नॉर्मल कोई अटक रहा है थोड़ा बहुत तो वो चल सकता है, लेकिन आप पूरा ही जी गए औरंगजेब आवे को तो बे कौन शामिल होगा, ध्यान रखियो। ठीक है, छम्मा कुमारी, बचपन में हाथ टूट गया था, कोई बात नहीं है टूट गया था तो अब सही है, आप बिल्कुल तैयार हो फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए। जसवंत कुमार, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है। राकेश गुजर, कान को ऑपरेशन हो रहा है, टांका एडा है तो कोई बात को नहीं, चोट वगैरह लग सकती है, मेरे हाथ के भी खुद के 16 टांका एडा है, ठीक है मैं भी फिट हूं, चोट लग सकती है कोई बड़ी बात नहीं, हाथ पैर टूट सकता है, इनको कोई भी बड़ा कारण नहीं है अगर आप सही हो तो। रवीना शेखावत, दौड़ के वक्त पैदल चल सकते हैं क्या? बिल्कुल चल सकते हो, आपकी मर्जी है, दौड़ पैदल चलकर पूरी करो या आप दौड़कर पूरी करो, आपको निर्धारित समय से पहले पूरी करनी है। ठीक है, उसके बाद है, एक ने पूछा था पोलैंड सिंड्रोम,
एक मेडिकल में ये और नाम है पोलैंड सिंड्रोम, यानी चेस्ट का बाहर की ओर उभरा हुआ होना। ठीक है, तो आप क्या करो कि पहले ही या अंदर की ओर धसी हुई हो सकती है चेस्ट या बाहर की ओर उभरी हुई हो सकती है पोलैंड सिंड्रोम, तो आप पहले जाकर डॉक्टर को दिखा लो। जितना भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जितना भी आप मैंने देख रहे हो लाइव, वे सारा का सारा पहला जाकर एक बार मेडिकल कराए होते भी आंखों का, आपको पता है आंखें कमजोर है, जाकर दिखाओ कितनी कमजोर है। फिर उसका उसके बाद में जब आपका पेपर हो जाता है तब मेरे से बात कर लेना, आपको और चीजें बता दी जाएगी। शंकर शर्मा ने पूछा था पी कोड का, बता ही दिया है कि हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं और लगभग ये सारे सवालों के जो जवाब थे आप लोगों को दे दिए। राकेश सिंह, एक्स सर्विस मैन की कट ऑफ कितनी जाएगी? एक्स सर्विस मैन की कट ऑफ, तो राकेश सिंह जी मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब तक पेपर नहीं हो जाता हम ये तय नहीं कर सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी। पेपर किस आधार पर आता है? पहले वाला पेपर आया था उसकी क्या मेरिट रही थी और अब जो पेपर आएगा हमें क्या पता कैसा आएगा। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान से सुन लेना, अब की बार आप लोगों को पता है ए बी सी तीन पार्ट है और ये बोला गया है कि आपको बी पार्ट क्लियर करना अनिवार्य नहीं है, तो ऐसे हालात में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि आपने खनन विभाग जो मैंने दिया था 12वीं बेस पर राजस्थान की एकमात्र भर्ती निकली थी कांस्टेबल की खनन विभाग की 2013 में, खनन विभाग उसके अंदर यही सिस्टम था 12वीं पास के अंदर कि उसमें बी पार्ट वाला कोई सिस्टम नहीं था। तब उसके अंदर आपकी जो मेरिट गई है, कोई भी विद्यार्थी लगाओ तो पूछ लेना जिन विद्यार्थियों के लास्ट में, इतना मुझे पता है कि जो ओबीसी में थे उनके 63 नंबर थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ ओबीसी वालों का पेपर में 75 में से 63 नंबर। तो आप ये मान के चलिए कि जिसका स्कोर ज्यादा होगा सिलेक्शन उसी का होगा, जिसकी दौड़ अच्छी होगी सिलेक्शन उसी का होगा। हाँ, किसी की दौड़ अच्छी हो सकती है तो वो यहां नंबर कम लाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां आपको नंबर मिले हुए 15 नंबर 10 नंबर ये आपको बांटे गए हैं, तो आप ध्यान रख लेना। अगर आपकी पढ़ाई में ज्यादा रुचि है तो दौड़ को भी मेंटेन रखो साथियों, और दौड़ कि ले, किसी ने पूछा कि टाइम मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा टाइम, मिलता है आपको पेपर हो जाने के बाद में 45 दिन आराम से मिल जाएंगे, उसके बाद में मेडिकल फिजिकल के बाद में मेडिकल का जी बिल्कुल, फिजिकल होने के बाद में 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन बाद में मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद में आपको वापस ड्यूटी पर बुला लिया जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि जितने लाइव हो सारों को मेडिकल में बुलाया जाए और सभी का चयन हो जाए और उसके बाद में फायदा ये वीडियो देखने का, और यह जानकारी आपको अगर संतुष्ट प्रदान करती है, आपको सही जवाब मिल चुके हैं आपके सभी के, तो आप इसको शेयर कर देना। कई विद्यार्थियों को कोहनी को लेकर भी प्रॉब्लम थी, अगर अपने इस प्रकार से अगर ऐसे हाथ करते हैं तो ये कोहनियां भी जो अगर मुड़ी हुई होती है तो उनको भी अनफिट किया जाता है नोकनी की। और एक विद्यार्थी ने पूछा था कि पाइल्स वगैरह की समस्या है, तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, अगर इनका इलाज हो जाता है तो आपको उसमें शामिल कर लिया जाता है। बाकी ये डिपेंड करता है मेडिकल बोर्ड पर कि वो किसको फिट करता है किसको अनफिट करता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी जो चयन प्रक्रिया की इस लिस्ट के अंदर इनमें से इन जांचों को पूरा नहीं कर पाते, अयोग्य होते हैं, लेकिन वो भी योग्य पात्र कर दिए जाते हैं, तो वो तो देखो मेडिकल बोर्ड पर डिपेंड करेगा, न मेरे पर डिपेंड करेगा न कोई और। मैं आपको सिर्फ दो चीजों की तैयारी करवा रहा हूं, एक तो पेपर की और एक फिजिकल की, इनमें से कोई भी चीज की तैयारी मैं नहीं करवा रहा हूं। आप सिर्फ ये वाली चीज के लिए कॉल कर लेना, पास होने के बाद में पेपर पास जरूर होगा, ये मेरा दावा है, वादे से कह रहा हूं पेपर पास होगा, और एक एक चीज मैं दिखा दूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि ये पर्सन यहां से आया था, और आप देख लेना। ये तो तब आएगा मजा जब पेपर की तारीख घोषित हो जाए, बिना तारीख की अभी वो मंजर लाना बहुत, जैसे कि मैं आज ही अगर उस चीज को ले आऊं तो बाद में फिर दूसरा के कृषि बिना आपके प्लेटफॉर्म पर लिया होगा, तो वो सबसे लास्ट में जो ऑपरेशन चलाएंगे ना ऑपरेशन पुलिस, वो लास्ट में आएगा, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। और मैं दावे से कह रहा हूं कि आप खुद कह दोगे सर जी हम इसमें अब बहुत संतुष्ट हैं। जय हिंद जय भारत।